हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान पॉकेट में। दोस्तों, आज हम इस सीरीज़ का 23rd लेक्चर करने वाले हैं, जो कि है फेस्टिवल्स ऑफ झारखंड, झारखंड के सभी त्यौहार। दोस्तों, इस पूरे सीरीज़ में 30 वीडियो है जो पूरा सिलेबस कवर करता है झारखंड जीके जीएस का इन एग्ज़ाम्स के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर MCQ, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी भी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए सीखते हैं आज कुछ नया। पहला सवाल है, गांधी फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? जो गांधी मेला है, इसे झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो उसका सही जवाब है सिमडेगा। ये जो मेला है, ये साल में एक वीक के लिए होता है, ठीक है, 26 जनवरी से 1 फरवरी तक, और इसमें काफ़ी एग्जीबिशन भी लगते हैं, और इसको विकास मेला भी कहा जाता है। हिजला फेयर इज़ हेल्ड इन द बैंक ऑफ रिवर। जो हिजला मेला है, ये किस नदी के किनारे लगता है? तो इसका सही जवाब है मयूरेक्षी, ठीक है, ये लगता है दुमका में। इसे स्टार्ट किया गया था 1890 में, उस टाइम जो दुमका के DM थे रॉबर्ट कारस्टार, इन्होंने स्टार्ट किया था। हथिया पत्थर फेयर इज़ ऑर्गेनाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? जो हथिया पत्थर मेला है, इसे झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है बोकारो। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पत्थर है जो हाथी के शेप का है, इसीलिए इसे हाथिया पत्थर फेयर कहा जाता है, ठीक है। मंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन? मंडा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? झारखंड में। तो ये जो एक साल में है, 3 महीने में ऑर्गेनाइज की जाती है। पहला है बैसाख, अप्रैल से मई में, दूसरा है ज्येष्ठ महीने में, मई से जून, और तीसरा है अषाढ़ महीने में, जून से जुलाई। झारखंड में ये मेनली हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में मनाया जाता है। सूरजकुंड फेयर इज़ हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? जो सूरजकुंड मेला है, वो कहाँ पे होता है, किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये पूछा गया। तो इसका सही जवाब है हज़ारीबाग। तो ये होता है सूरजकुंड हॉट स्प्रिंग में, ठीक है, जो कि हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। ये स्टार्ट होता है मकर संक्रांति में, और ये 10 दिनों तक चलता है। इन विच फेस्टिवल वुमेन डू नॉट पार्टिसिपेट? इनमें से किस फेस्टिवल में वुमेन पार्टिसिपेट नहीं करती? तो इसका सही जवाब है चंडी। इसे सेलिब्रेट करते हैं ओराव ट्राइब के लोग। ये माघ महीने में की जाती है, मतलब जनवरी फरवरी में। हल पुनिया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन? जो हल पुनिया फेस्टिवल है, इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो उसका सही जवाब है ए, फर्स्ट डे ऑफ माघ मंथ, मतलब जनवरी फरवरी में, ठीक है। इसी के टाइम जो प्लॉइंग होती है वो स्टार्ट होती है, और ये जो हल पुनिया फेस्टिवल है, इसे अखैन जत्रा भी बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, इन विच फेस्टिवल ऑफ झारखंड गर्ल्स डेकोरेट फ्रेम विथ कलरफुल पेपर एंड बैम्बू एंड प्रेजेंट इट टू रिवर? देखो प्रीवियस सवाल है, ठीक है, तो इसका सही जवाब है टुसु पर्व। इसमें सन गॉड, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। ये भी माघ मंथ में होता है, जनवरी फरवरी में, और इसमें तुसु मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन? जो सरहुल है, इसे किस सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका सही जवाब है स्प्रिंग सीजन में, ठीक है, चैत के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है इसे, अप्रैल में, और ये फेस्टिवल 3 दिनों का होता है, ठीक है। इसमें कुछ जो फूल यूज़ होते हैं, फ्लावर्स, वो है सल और महुआ। इसे फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं, और इसे मुंडा ट्राइब के लोग मेनली सेलिब्रेट करते हैं। द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स ऑफ मुंडा ट्राइब इज नोन एज? तो अभी देखा हमने सरहुल है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। संथाल सेलिब्रेट सरहुल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? जो संथाल है, वो सरहुल को किस नाम से मनाते हैं? देखो, जो सरहुल है, अभी देखा हमने, इसे मेनली मुंडा ट्राइब के लोग सेलिब्रेट करते हैं। सरहुल को ही खादी नाम से सेलिब्रेट करते हैं,
फोर आउट ट्राइब के लोग, ठीक है, और इसी को ही बाहा के नाम से सेलिब्रेट करते हैं इसी फेस्टिवल को संथाल ट्राइब के लोग, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सॉरी बाहा। छठ पूजा इज़ द फेस्टिवल ऑफ विच गॉड? तो देखो छठ पूजा काफ़ी पॉपुलर फेस्टिवल है झारखंड बिहार के, तो इसे नवंबर महीने में दिवाली के बाद सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है। द फेमस छठ पूजा ऑफ झारखंड इज वर्शिप्ड द तो सन गॉड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ सावन? सावन महीने में कौन सा फेस्टिवल होता है इनमें से? तो इसका सही जवाब है हरियाद, ठीक है। ये जो नई क्रॉप होती है उसके कल्टिवेशन के लिए प्रे करते हैं फार्मर्स, और जब पैडी क्रॉप लगाया जाता है तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कर्मा देवता इज़ द गॉड ऑफ, जो कर्मा देवता है ये किसके भगवान है? तो इसका सही जवाब है बी पावर यूथ एंड यूथफुलनेस, ठीक है। तो ये कर्मा ट्री को वर्शिप करके मनाया जाता है, ठीक है, और इसे मेनली ओराव ट्राइब के लोग मनाते हैं, और इसे भद्र महीने में मनाया जाता है मतलब अगस्त सितंबर में। इन झारखंड द फेस्टिवल ऑफ ट्राइब्स सेलिब्रेटेड इन द हिंदू भद्रपद मंथ इज? तो इसका सही जवाब है कर्मा। कर्मा इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? जो कर्मा फेस्टिवल है वो इनमें से कौन से ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं मेनली? तो अभी देखा हमने ओराव ट्राइब मेनली सेलिब्रेट करते हैं कर्मा फेस्टिवल को। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ झारखंड इज सेलिब्रेटेड फॉर गुड फर्टिलिटी एंड बेटर हाउस होल्ड फॉर द गर्ल्स? देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है जवा। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ओनली सेलिब्रेटेड इन झारखंड? इनमें से कौन सा फेस्टिवल सिर्फ झारखंड में ही सेलिब्रेट होता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है सोराई, ठीक है। देखो ये 5 दिनों का फेस्टिवल होता है 5 डेज, ठीक है। ये कार्तिक महीने में किया जाता है मतलब अक्टूबर नवंबर में। इसमें जो कैटल्स होते हैं उनको नहलाया जाता है, वर्शिप की जाती है, और इस यहाँ पे बुल फाइट भी कराया जाता है, ठीक है। जो ये 5 डे फेस्टिवल है तो जो पहले दिन में किया जाता है जहर आरा, दूसरे दिन में होता है गोहल पूजा, तीसरे दिन में होता है संताव, चौथे दिन में होता है जल, और पांचवें दिन में स्ट्यू राइस बनाई जाती है। विच ऑफ द फेस्टिवल ऑफ संथाल इज कॉल्ड ए सोराई? इनमें से कौन से फेस्टिवल को संथाल सोराई के नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब है अभी देखा हमने कैटल, इसमें सोराई में क्या होता है कैटल जो है उनको वर्शिप की जाती है, उनको नहलाया जाता है। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल कैटल्स आर वास्ट वर्शिप्ड इन द स्टेट ऑफ झारखंड? ठीक है, अभी देखा हमने सोराई फेस्टिवल में कैटल्स को नहलाया जाता है और पूजा की जाती है उनकी। विच फेस्टिवल ऑफ झारखंड इज सेलिब्रेटेड ऑन द ब्लैक मून मंथ ऑफ कार्तिक? ब्लैक मून मंथ ऑफ कार्तिक में झारखंड में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इनमें से? तो इसका सही जवाब है वंदना, ठीक है। इस फेस्टिवल में जो एनिमल्स हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, और ये कार्तिक के अमावस्या में सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर नवंबर में। वंदना फेस्टिवल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? अभी हमने देखा इसे ब्लैक मून डे में सेलिब्रेट करते हैं अमावस्या में। वंदना इज सेलिब्रेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? तो अभी हमने देखा था ये टू एक्नॉलेज द रोल ऑफ एनिमल्स इन फार्मर्स लाइफ। विच अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल इज कंसिडर एज द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ झारखंड इन द कैलेंडर ईयर? झारखंड कैलेंडर ईयर में पहला त्यौहार इनमें से किसको माना गया? तो इसका सही जवाब है रोहिन। इसमें क्या होता है जो फार्मर्स है वो जो बीज है उसे बोना शुरू करते हैं। इसके अलावा इस फेस्टिवल के साथ साथ इसमें राजसवाला, अंबावती और चितगोमहा ये दोनों फेस्टिवल भी सेलिब्रेट की जाती है। देखो राजसवाला, अंबावती और चितगोमहा आर सेलिब्रेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल? तो अभी हमने देखा रोहिन के साथ साथ इनको भी मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। तो हमने देखा तो जो सरूल है उसे मेनली मुंडा ट्राइब के लोग मनाते हैं, सरूल को ही खदी के नाम से जानते हैं और इसे ओराव ट्राइब के लोग मनाते हैं, और इसको ही बाहा के नाम से संथाली लोग मनाते हैं, ठीक है। कर्मा और मैं तो ये गलत है, जो कर्मा है इसे मेनली ओराव ट्राइब के लोग मनाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट? इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो कर्मा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू हार्वेस्ट एंड द कर्मा ट्री, सही है। तुसु पर्व मेनली सेलिब्रेट इन साउथ ऑफ छोटा नागपुर, तो ये गलत है। जो तुसु पर्व है इसे मेनली सेलिब्रेट करते हैं
बिंदु, टमर, पंच परगना, रांची, साउथ ऑफ रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है टुसू पर्व को, ठीक है? तो ये गलत है। इन सरूल फेस्टिवल महुआ फ्लावर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट आइटम फॉर द रिचुअल, तो ये सही है, ठीक है। और महुआ फ्लावर के साथ जो सल फ्लावर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है इनका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से बताना है कौन सा सही है, ठीक है? तो टुसू पर्व इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, सही बात है। इट इज़ ऑल्सो फॉर अनमेरिड गर्ल्स, ये भी सही है। इट इज़ हेल्ड इन समर सीजन, ये गलत है। इसे अभी हमने देखा था माघ महीने में मनाया जाता है, जनवरी फरवरी में। अब देखो कुछ ट्राइब्स है और उनके फेस्टिवल है, तो इनमें से किसी को भी MCQ क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, ठीक है? जैसे चेरो ट्राइब है, ये सेलिब्रेट करते हैं काली पूजा, दुर्गा पूजा, छठ, सोराय और होली, ठीक है? वैसे गोंड ट्राइब है, ये सेलिब्रेट करते हैं मतिया, फरसापेन, बुद्धदेव, ठीक है? तो इनमें से किसी को भी MCQ क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। और भी कुछ ट्राइब्स और फेस्टिवल्स हैं देख लो, ठीक है? तो ये दोनों ही स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, बी काइंड, बी स्मार्ट।